जाते हैं और कुछ बोलते हैं, पंचम जी भाग निकलते हैं। हाँ वो इसलिए कि दरोगा ने मुझे ऐसी खबर दी है कि उन पंचम और इलायची की शादी हो गई है जी। तो वो भाग जाता है। मेरी समझ में नहीं आता वो क्यों भागा है, लेकिन मुझे पिंकी ने ऐसी बात कही है। अब मुझे इलायची से पूछना पड़ेगा क्या ये सच है या नहीं। ये बहुत बड़ा राज अगर है सचमुच, वो तो मुझे अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन तो देखते हैं कि क्या होता है। अगर ये सच है तो भी, और नहीं सच है तो भी। तो आने वाले जो एपिसोड्स होंगे, क्या उसमें पता चल पाएगा कि पंचम और इलायची की शादी हो चुकी है? नहीं, आप तो जानते हैं कि इलायची अपने आप में बहुत ही चतुर, चालाक और शरारती बच्ची है। वो किस तरीके से हैंडल करेगी वो अभी देखना पड़ेगा। तो अभी मैं उससे पूछूंगा, फिर पता करता हूँ कि क्या है। असली राज तो अभी खुला नहीं है, लेकिन ये राज है क्या है, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे, मेरी घंटी तो बज रही है दिमाग की कि कुछ तो होने वाला है। अगर ये सच है तो एक बेटी ने झूठ बोल के शादी कर ली, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर सच नहीं है तो मजाक है।